आज हम नंबर सीरीज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो कि यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अब यहाँ दिया हुआ है क्या कि 89 है, उसके बाद देखोगे 178 है, 356 है, 712 है, और यहाँ पूछ रहा है ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे 89 से 178 आ कैसे रहा है। अगर हम 89 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा फिर 178। उसी तरह से 178 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 356। उसी तरह से 356 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 712। फिर 712 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये फिर हो जाएगा 7 × 14, और ये हो गया 24, यानी 1424। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ दिया हुआ है 67 है, 70 है, 76 है, 85, और ये आपसे पूछ रहा है यहाँ क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखोगे तो गैपिंग जो है ज़्यादा का गैपिंग नहीं है, तो यानी हम डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो देखो 70 से अगर 67 को अगर हम माइनस करें तो ये फिर आ जाएगा 3, फिर इससे इसको माइनस करते हैं तो 6 आ जाएगा, फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा भाई, अब देखो 3 है, 6 है, 9 है, यानी 3 का मल्टीपल हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा 12 होगा, और इस 12 को क्या करेंगे 85 के साथ हम प्लस कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा फिर 97 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, ये जो सीरीज़ जो दिया हुआ है यहाँ आपसे पूछ रहा है ये क्या होगा, है ना। अब इस नंबर को ध्यान से देखो तो नंबर 89 था, फिर 84 हुआ, 82 है, 79 है, 75, 74, 68, और ये आपसे पूछ रहा है ना। तो देखो अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस में अल्टरनेट हम सीरीज इसको बोलते हैं, जैसे कि 89 को अगर हम 82 के साथ अगर कंपेयर करें, फिर एक को छोड़ के उसके बाद 82 को अगर हम 75 के साथ कंपेयर करते हैं, फिर एक को छोड़ के इसके साथ पहले हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो 89 में क्या माइनस करेंगे जो 82 आ जाए, क्लियर। तो बोलोगे 7 माइनस करेंगे, ठीक है यहाँ तक। फिर 82 में अगर हम अगेन 7 अगर माइनस कर दें तो 75 आ जाएगा। फिर 75 में अगेन अगर हम 7 को माइनस कर दें तो ये 68 आ जाएगा। अब बचा आपके पास 84 और ये 79, तो इन दोनों को फिर हम माइनस करके चेक करेंगे, और उसके बाद ये होगा, और यहाँ से जो एक नंबर छोड़ोगे तो वो आंसर दे देगा, ठीक है। तो देखो 84 में हम फिर क्या माइनस करें जो 79 आ जाए, बोलोगे 5 माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर 79 में अगेन हम 5 को माइनस करें तो ये 74 आ जाएगा। अब 74 में अगेन हम 5 को माइनस कर दें तो ये फिर कितना आ जाएगा, इसको अगर हम 5 अगर माइनस कर दें तो ये फिर 69 आ जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा फिर 69। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। तो पहले मैं सीरीज को यहाँ लिख लेता हूँ, 3, 5 है, 8 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क 19 है, और यहाँ पे 24 है, ठीक है। तो नंबर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ज़्यादा का तो गैपिंग नहीं है, तो हम डिफरेंस से चेक करेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो इसको माइनस करते हैं ये 2 आ जाएगा। इन दोनों का अगर गैपिंग देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 होगा। फिर इन दोनों का गैपिंग 3 होगा, तो ये नहीं पता चल रहा है। अब देखोगे उसके बाद देखो यहाँ का गैपिंग जो है क्या हो गया, ये बड़ा दिख रहा है, बड़ा मीन्स क्या हो गया, ये हो गया 5, है ना। तो देखो 2 है, 3, 3, तो नेक्स्ट क्या होगा ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में ये हमारा लॉजिक फेल हो चुका है, ठीक है। तो गैपिंग से ये आंसर आने वाला नहीं है, क्लियर। अब अगर नंबर को ही अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 3 है, 5 है, उसके बाद 8 आ रहा है ना, तो यहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक यूज़ हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखोगे प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है। अगर हम 2 में प्लस 1 कर दें तो 2 + 1 = 3 मिला। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है मेरा 3 होता है, और 3 में अगर हम 2 ऐड कर दें
तो ये हो जाएगा फाइव, देखो है यहाँ पे। नेक्स्ट प्राइम नंबर फिर क्या होगा, फाइव होगा, उसमें अगर हम थ्री को ऐड कर दें तो एट हो जाएगा, देखो है यहाँ पे। तो उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर सेवन, और सेवन में फोर ऐड कर दें तो ये एलेवन हो गया, है ना। अब सेवन के बाद नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, एलेवन होता है। इसमें हम फाइव ऐड करेंगे क्योंकि तो देखो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये हो जाएगा सिक्सटीन। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा फिर सिक्सटीन। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी। अब चाहो तो आगे भी चेक कर सकते हो, ये 19 भी आएगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 होगा। इसमें 6 ऐड कर देते हैं, 19 हो जाएगा। अब 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा क्या होगा, 17 होगा। इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा, 24, जो कि है यहाँ पे। क्लियर है कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ है 11 है, 9 है, 15 है, 41 है, और ये क्वेश्चन मार्क है ना। अगर हम 11 को अगर हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं और माइनस का 2 कर दें तो 9 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद 9 को अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करें और माइनस 3 करें तो 9 2 जा हो गया 18, माइनस 3 करोगे 15 आ जाएगा, देखो है यहाँ पे। उसी तरह से फिर 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 4 कर दें तो ये हो गया 15 3 जा 45, माइनस 4 करोगे 41, जो कि है यहाँ पे। तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया। तो 41 को किससे इंटू करेंगे, देखो 1 2 3 तो नेक्स्ट 4 होगा, और माइनस क्या होगा, देखो 2 3 4 तो नेक्स्ट क्या होगा भाई, 5 होगा। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 4, 4 4 जा हो गया 60, माइनस 5 तो ये हो जाएगा 159। ऑप्शंस में देखोगे 159 का है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।